है ना, वो बालू है भाई, सर ने वीडियो बनाई तो इधर के भाग गया, फिर ऊपर चढ़ जाएगा ये। तो अभी आपको पैंथर भी दिखा देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर रहा था, ये देखना भाई वो सामने देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, चला गया। टिगलू भाई सामान लेके, अच्छा नहीं निकला जाए, गेट खोलना पड़ेगा। चल पहले साइकिल छोड़ देते नीचे, फिर सामान ले जाएंगे, आराम से उठा के ले जा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। तो कल की रात अपनी यहाँ इस मुखड़ी देवी माता टेंपल के दरबार में रही हुई, पीछे वो जगह ना वहाँ बाहर बरामदे में ना बाबा जी ने बिस्तर दे दिए थे, वहाँ पर आराम से सो गए थे। ठीक है, अभी फिलहाल आज मन नहीं था ऊपर माउंट आबू की चढ़ाई शुरू करने का, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, कल से बेटर है बट थोड़ी सी खराब थी। पहले तो मन नहीं था भी चढ़ाई शुरू कर दे, फिर टिगलू भाई बोला नहीं चलते हैं यार, चढ़ जाएंगे, जितना भी होगा उतना निकाल लेंगे। फिर हमने सोचा चलो भाई चलते हैं, कोई चक्कर नहीं, तबीयत तो ऐसी रहेगी। तो ठीक है, फिलहाल अभी अपना रेडी होके निकल रहे हैं माउंट आबू की ओर। सबसे पहले नीचे चलते हैं मेन मार्केट में, जाके खाना खाते हैं, क्योंकि कल शाम को भी खाना खाया नहीं, भूख लगी नहीं तबीयत की वजह से, फिर हल्का फुल्का खाया तो अभी भूख लग चुकी है अच्छे तरीके से और तबीयत भी ठीक हो चुकी है। दोनों भाई सामान सारा रेडी करके यहाँ से निकलते हैं माउंट आबू की ओर। और सुबह का व्यू आपको दिखाई दिया, फिलहाल इस टाइम कुछ ऐसा माहौल है, देखो भाई भाई सामान सारा साइकिल पे अच्छे तरीके से लगा दिया है, पानी भरा नहीं, पानी आगे नीचे से भर लेंगे। तो ठीक है, भगवान जी को प्रणाम करके निकलते हैं यहाँ से और नीचे पैदल ही जाएंगे भाई, ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा तीखी थी जो चढ़ के आए कल, भाई साइकिल आगे से उठ रहा था भाई। इधर अपना खाना आ चुका है, चना मसाला ऑर्डर किया, थाली सिस्टम यहाँ है नहीं था, एक चना मसाला साथ में प्लेन चपाते हैं, घी वगैरह नहीं लगाए क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, खांसी वगैरह ना इस चक्कर में, और साथ में सलाद है भाई। ठीक है, खाना खाते हैं। तो भाई अभी अपना खाना हो चुका है बढ़िया वाला, मगर खाना खाने के बाद ना एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि कॉफ़ी अच्छी रहती है, कोल्ड में अच्छी रहती है ना, जुकाम वगैरह ठीक कर देती है। तो मैंने बोला भैया जी कड़क सी कॉफ़ी बना दो, तो भैया ने काफ़ी कड़क बनाई है भाई, मस्त कॉफ़ी है भाई। अभी खाना पीना हो चुका बढ़िया वाला, साथ में कॉफ़ी भी पी लिया है और निकल चुके अपने आगे के सफ़र की। और यहाँ से माउंट आबू 22 किलोमीटर, कोशिश करेंगे प्रॉपर करने की, या बीच में अगर अच्छी जगह मिल गई ना कैंपिंग शैम्पिंग की, जहाँ पर अच्छा नेचर हो, व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पर कैंपिंग करेंगे, एक दिन वहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं कैसा एरिया आता है, वो एरिया के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये होटल है, होटल अब देख रहे हो ना भाई शांति कितनी है, क्योंकि आज ना सैटरडे संडे है, आज है जी मंडे, कुछ इस वजह से शांति है और कुछ वैसे भी यहाँ शांति रहती है। आचलगढ़ जगह ऊपर 25 किलोमीटर गुरु शिखर 33 है टॉप है जो, माउंट आबू 20। वेलकम टू माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मतलब जो सारा एरिया ना माउंट आबू का, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ठीक है भाई, दोनों भाइयों ने गियर चेंज कर लिए, जो हाइट पर यूज होते हैं वो वाले गियर लगा लिए, इसमें पैडलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, स्पीड स्लो होती है। जब से साइन बोर्ड लगवाए ना ये, मतलब पीछे बैनर लगवाए, तब से ज़्यादा लोग रुक के पूछने लग गए, जैसे अभी भाई लोग रुके हैं। भाई पीछे का व्यू चेक करो भाई, जैसे ऊपर जाते रहेंगे ऊपर का व्यू तो अच्छा बनेगा ही, बट जो पीछे का होगा नीचे का व्यू वो एक नंबर मस्त होता जाएगा। तो यहाँ 10-15 मिनट भाई लोगों के पास रुके भाई, और छिपा बोरी 6 किलोमीटर माउंट आबू 21 यहाँ लिखा गया, देलवाड़ा 25, पीछे माउंट आबू 20 था। जब बारिश वाला सीजन होता है तब यहाँ बहुत हरियाली होती है, फिलहाल अभी ऐसा रूखा सूखा एरिया मिलेगा आपको यहाँ पर। वन्य जीव अभ्यारण में जलती आग फेंकने पर 3 वर्ष की सजा होगी। सही है भाई, जंगलों को बचा के रखना चाहिए, आग लग जाए ना तो आपने सुना ही होगा जंगल की आग कितनी फैलती है, रुकती नहीं है भाई। फिर लोग ना इतनी साफ सुथरी जगह को भी गंदा बना देते हैं भाई, पहाड़ों में वैसे वीकेंड पे आते हैं घूमने के लिए, खुद ही गंदगी करके चले जाते हैं भाई। आज ना मैंने हेलमेट के नीचे कपड़ा लगा लिया, मतलब पोप लगा लिया, ताकि सीधी हवा अंदर ना लगे भाई, ये जो खाने हैं ना इनमें से ठंडी हवा सीधी लगती है सर को, पसीना आ जाता है, तो इस चक्कर में थोड़ा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है।
भाई साहब एक बहुत तगड़ी गलती कर दी आज मैंने। मैं ना खाना खाया, पानी भरना भूल गया भाई, बोतल बिल्कुल खाली है। और रास्ते में शायद 8-10 किलोमीटर तक कुछ मिलेगा भी नहीं। बड़ी तगड़ी गलती कर दी भाई। दिमाग में ऊपर से जब मंदिर से है ना, तब माइंड में था नीचे जाके ना जहाँ होटल में खाना खाएंगे पानी भरेंगे, बट वहाँ खाना खाने लगे उसके बाद भैया बातें करने लगे, भूल गए भाई। सींग देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं। काफ़ी देर से वेट कर रहा टिकलू भाई की, आया नहीं। फिर मैं सोच रहा हूँ वापस चल के ना देख के आ, तो साइकिल पीछे खड़ा है और वापस आके देखते हैं किधर है, दिख नहीं रहा टिकलू भाई। वो आ गया आ गया आ गया आ गया। बाकी हो जाएगा क्योंकि अब मिल भी जाएगा, किसी गाड़ी वाले से ले लेंगे। दूसरी बात है ठंड है ऊपर, प्यास कम ही लगेगी। हरा पानी है तो। अच्छा तूने इसमें वो डाला था ना? हाँ, वो वाला मिक्स। अच्छा अच्छा, तभी लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास ऊपर आ चुके हैं। अभी ना थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, पसीना आने लग गया है क्योंकि इधर धूप सीधी लग रही है ना। जब राउंड आएगा या पहाड़ की दूसरी साइड जाएंगे फिर मौसम थोड़ा ठंडा लगेगा। वैसे भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं जितना नॉर्थ के पहाड़ ऊपर जाके ठंडा मिलता है, नॉर्मल सा ठंडा मिलेगा। यहाँ थोड़े आराम करते हैं, सांस लेते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ माउंट आबू, यहाँ पर कॉमन लंगूर भी मिल जाएंगे। यहाँ से माउंट आबू पर्वत की ना पुलिस थाना सीमा आरंभ हो चुकी है भाई। भाई यहाँ बालू भी मिलेंगे, स्लोथ बियर। भाई अभी यहाँ पर रुके थे थोड़ी रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर ना थोड़ा इलेक्ट्रेट डाला जा रहा पानी में, एक पाउच पड़ा था, हमने बोला दो बार में फिनिश कर देंगे ना, ज़्यादा भी अच्छा नहीं रहता, नुकसान करता होगा। ठीक है भाई अभी इसको पीते गोल के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आगे का सफ़र शुरू कर देंगे। ऐसे करते करते पहुंच जाएंगे जी माउंट आबू। ये देखो जी बसें जा रही हैं इधर उपरा वाह, टिकलू कांटे बहुत है इधर तो, कांट उपरा वाह, सूखा सूखा सा सारा। नमस्कार भैया, क्या कर रहे हो? पेड़ और पानी पीने का। अच्छा साथ रखना पड़ा, पानी आसपास नहीं मिलेगा कहीं? ये ऊपर मिलेगा। कितनी दूर है व्यू पॉइंट से? ये चिबा मेरे पास में। कितनी दूर है? 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर, ठीक है भाई धन्यवाद। क्या कौन से पेड़ लगा रहे हो? ये जंगली पेड़ है। जंगल में हर बार लगाने पड़ते हैं? नहीं वो लगाए हुए है, पानी डालना है, टैंकर पीछे आ रहा है। अच्छा दिखे तो नहीं पेड़ वो सामने? अच्छा आगे लगे, इसमें तो खाली है इधर तो। ये तो मर गया। मर गया? यहाँ है कोई आसपास? वो आ गया। अच्छा आ गया। चलो भाई कहाँ से हो? चिबावेड़ी। जहाँ पर आप रहते हो वहाँ कैंप लगा सकते हैं? हम कैंप लगा के रुक सकते हैं? है? रसील काटते हैं। कितने की? 150 के ऐसा कोई। फिर कैंप लगा सकता है बंदा? कहाँ पे ये जगह? ऊपर ऊपर होगी। तो भैया से पानी पूछा, भैया बोले ले लो। मैं फिर आप क्या करोगे? भैया बोल रहे हैं हमारी बाइक नीचे पानी लेने गई है, तो भैया के इस छोटे से कैंपर से पानी लेते हैं भाई। ठीक है भाई डाल दे। सही बात, थोड़ा पानी है भैया। हाँ जितनी जरूरत हो उतना पी लो भैया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक थोड़ा सा डाल दे। पानी पीने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स मिला था, तो काफ़ी सफ़र निकाल दिया। पीछे के भैया मिले थे, वो ना जंगल में पेड़ पौधों की सफाई कर रहे, जो छोटे पेड़ पौधे थे। और इधर ये सर जी लोग। सर जी नमस्कार, क्या नाम है सर जी आपका? राजेश बिश्नोई है मेरा नाम। यहीं से? राजस्थान से? मैं जोधपुर से। जोधपुर से, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये सर इधर पानी डाल रहे हैं उन पौधों को, जो छोटे छोटे पौधे ना बाल्टी की सच। नमस्कार सर। तो ये अपने भाई लोग कुछ लगे, बहुत अच्छा काम कर रहे भैया जी, पर्यावरण के लिए, वातावरण की साफ सफाई के लिए। और भैया बोल रहे अभी पीछे जो भैया बैठे हैं, जो अभी हम ना एक कुछ प्लान चलाएंगे सारे माउंट आबू वासी मिलके ना, ये जितने भी गंदगी है ना सारी पास में दिखा रहे आप लोगों को, ये सारी साफ कर देंगे एक बार। मैं क्या आप लोग तो कर दोगे, पर लोग फिर गंदगी कर देते हैं, तो बोले भैया क्या कर सकते हैं। तो सभी से अपील है भाई सफाई का विशेष ध्यान रखें, है ना भैया। जैसे लद्दाख में पेड़ पौधे ऐसे ऊपर सूखे सूखे मिलते हैं ना, जैसे ये है और वो ऊपर कुछ दिख रहे हैं, कुछ तो हरे हैं। लद्दाख में भी ऐसे दिखते हैं जब बर्फ फटती है, उसके बाद फिर वहाँ पत्ते आ जाते हैं, फिर हरियाली हो जाती है। सेम वैसा लग रहा है इधर, यहाँ भी बारिश के टाइम में हरियाली आ जाएगी। तबीयत खराब थी ना, बट साइकिल चला के शरीर गर्म हो गया,
अब थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। पेड़ देखो कैसे कैसे है भाई, डरावने से लग रहे हैं। यहाँ पर रोज भी है, मतलब नीलगायें भी है। इग्नो व्यू पॉइंट यही है क्या? अच्छा यही दिखा रहा था मैप पे। यहाँ साइकिल खड़ा कर दिया आपको ना, यहाँ से तगड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो भैया ओ बल्ले बल्ले बल्ले, आप चेक करो भाई सामने के ना तालाब सा दिखाई दे रहा है, इसका नाम पता नहीं है बट मैप में थोड़ा सा महादेव डैम ऐसा कुछ दिखाई दे रहा, वो शायद आगे कहीं होगा, वो वाला नहीं है। ये यहाँ का लास्ट व्यू पॉइंट है जहाँ से नीचे का सारा एरिया आपको दिखाई देगा। इसके बाद ना हम पहाड़ के इस साइड होते हुए अंदर चले जाएंगे, अंदर आगे बढ़ते जाएंगे मेन माउंट आबू की तरफ। ये सामने छोटे छोटे झाड़ियों टाइप आपको दिख रहे ना, ये सारे बांस के पौधे हैं। ये इधर भी देखो काफ़ी ज़्यादा हैं, तभी तो इनके घर्षण से आग लग जाते हैं, नीचे सारे सूखे पत्ते पड़े होते हैं, तो इस चक्कर में इस जंगल में आग लगती रहती है भाई। चढ़ाई वैसे बहुत है भाई, आराम आराम से जाना पड़ रहा है, धीरे धीरे सांस लेते लेते। बाकी इधर ही अच्छा है, ऑक्सीजन फुल है, हरियाली है, ये मस्त वाली चीज़ है भाई। लद्दाख में वो चीज़ मिस थी। यहाँ जगह जगह अलग अलग जानवर के ना फोटो लगा रखी है, वाइल्ड लाइफ इन माउंट आबू, ये सांबर डियर है। यहाँ पर वन विभाग वालों के ना पुराने से क्वार्टर है भाई, टूटे फूटे पड़े हैं। मैं बोल रहा चाय की दुकान भी कोई नहीं आई, बंदा चाय शाय पी ले। पर सामने ना पुलिस चौकी आ चुकी है, और इधर बरगद का इतना पुराना पेड़ है भाई, उसकी जो जटा होती है ना, दाढ़ी होती है क्या बोलते हैं, नीचे तक लगी हुई है धरती तक। जगह का नाम है जी पुलिस चौकी, छी छापा बेरी थाना आबू पर्वत। और भाई ये वाला बरगद बोल रहा हूँ, देखो इधर चेक करो भाई, ये देखो भाई कितना पुराना कुआं यहाँ पर, और अब भी चलता पानी निकालते हैं इससे, वो पाइप लगे हुए हैं अंदर, मोटर वगैरह डाल रखे बाहर पानी निकालने के लिए भाई। तो भाई भगवान मेरी सुन लेता, चाय की दुकान आ जा, वो सामने चौकी के पास, ये रही भाई। चलो भाई चाय पीते हैं पहले। टिगलू भाई उधर वीडियो बना रहे हैं, और मैं पूछ रहा चाय पिएगा कि नहीं, फिर मैं दो कप बनवा लेता हूँ, बोरा पीऊँगा। तो इस चेक पोस्ट का नाम है छीपा बेरी, मैं छीछा बेरी ऐसा कुछ बोल रहा था, छीपा बेरी वो सामने लिखा है भाई, छीपा बेरी चेक पोस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट है। और कितनी अच्छी जगह शांसी, इधर एक आंटी जी बैठे, दो दो चाय बना दो, दो चाय। और इधर भैंस भी रख रखी है, शायद इन्हीं की होगी जो इधर चेक पोस्ट वाले होंगे ना, उन्हीं की चाय की दुकान होगी, और उन्हीं की शायद भैंस वगैरह होती होगी, यहीं पर रहते होंगे ना। हाँ जी ये कोई गांव है, हाँ जी चेक पोस्ट है, चौकी है, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं रहते हो? हम यहीं यहीं से हो? हाँ। ठीक है जी। इग्लू भाई मैं सोच रहा था आंटी ने जाले क्यों लगा रखे, मतलब चारों तरफ दुकान के, अब याद है बंदर देख के ना, रुक जा पुराने जाले, बस वो ले जाना है, आ गया आ गया। हाँ हाँ बस अब बोर नहीं, चल चल जा ओपरा वहा। टिकलू ये क्या हुआ, बच गए टिकलू, देख भाई एकदम से आ गया ये तो भाई, यहाँ तो कुछ खाना भी मतलब खतरनाक है। चलो ठीक है, इसकी किस्मत में था, एक रख लिया टिकलू मैंने। टिकलू मैं सोचा भागने की, ये डरा ही नहीं, एकदम सीधा ही आ गया ना। अच्छा आंटी जी ने तभी डंडा रखा है, और इधर जाली लगा रखी है वो बता रहा था मैं, नहीं तो बंदर सारा कुछ उठा के ले जाएंगे भाई। एक और ना इसी वेट में बैठा है कि मेरे को भी कुछ मिलेगा भाई, हमारे पास तो एक तो मतलब एक था, एक पैर एक साइड वो ले गया, एक साइड बची है मैं और टिकलू को, बस डाल दूँ इसको भी, लेकिन डाल देता हूँ ना इसमें से, एक तू खा लेना चलो, तो दूसरा ये उठा ले, तू पहले अपना खा ले टिकलू भाई, तो अपना खा ये फिर आएगा, आ जा भाई। हेलो ले जा ले जा ले जा ले जा, बस फोन ना छीन ना, बस 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 और नहीं है। टिकलू भाई फोन भी छीनेगा ये, ऐसे नहीं छीनेगा, ऐसे तो नहीं कुछ बोलते होंगे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, खाने खाने के चक्कर में आते हैं वो मस्त है भाई, उसको ज्यादा मिलेगा, अकेला मजे से खा रहा है, खुश है ना, खुश है, देख रहा भाई समझते है कुछ ना कुछ तो। इधर आंटी, आंटी नमस्कार, वाह जी वाह, अच्छी चाय है भाई,
यहाँ लैपर्ड भी है भाई, मतलब सारे जानवर है यहाँ। अभी ना हल्की हल्की ठंड बढ़ती जा रही है, साइकिल चलाते हुए ना ठंडी सी हवा लग रही है, नीचे गर्मी लग रही है, अब ठीक है थोड़ा। लो भाई अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, पसीना आ गया भाई। चढ़ाई है वाह वाह वाह, मतलब काफ़ी चढ़ाई है भाई। अभी ना यहाँ से अब जिग जैग शुरू हो गया, ऐसे जिग जैग होते ना ये राउंड लगा के ऐसे ऊपर चढ़ना है। यहाँ से आपको दो चीज़ दिखाई देंगी, एक तो नीचे का खूबसूरत सा व्यू और दूसरा भाई ये चेक करो पानी की व्यवस्था। पहाड़ के ऊपर थोड़ी सी ना सीमेंट से ऐसे दीवार से बनाई थी छोटी सी, और यहाँ पर पानी रुका हुआ है, पता नहीं बरसात का है, पता नहीं मतलब जो फॉरेस्ट वालों ने छोड़ रखा है। इसके अंदर मेंढक भी हैं, दिख रहे हैं भाई कूदते हुए, तो जानवरों को पानी पीने की व्यवस्था कर रखी है ताकि बंदर वगैरह या जो भी जानवर इधर पानी पीते रहे। यहाँ के मंकी बिल्कुल नहीं डरते, इतना मर्जी कुछ बोल लो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, देखना इसको परवाह ही नहीं है हमारी। टिकलू भाई का बैग फाड़ रहा था, चल टिकलू भाई रुकने का कोई फायदा नहीं, ऐसे निकलने का ही फायदा है। टिकलू भाई का सुपर पीछे ही नहीं छोड़। तो भाई इस जगह का नाम है जी सात गुम व्यू पॉइंट, मतलब हम जिग जैग बोल देते हैं, राउंड बोल देते हैं, ये सात गुम प्योर हिंदी में गुम मतलब घूमना। यहाँ पर व्यू पॉइंट बना है, ये मैगी पॉइंट भी था, माउंट फूड ऐसा कुछ, बट अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर गर्मियों के सीजन में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, सर्दियों में थोड़ा काम होते हैं। पीछे आंटी जी थे ना वो बता रहे थे काफ़ी अच्छी बना रखी है, मतलब कैंपिंग की जगह भी अच्छी थी अगर लगाना चाहते, बट यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ से व्यू दिखा देते हैं हमें, वो देखो वो सड़कें दिख रही है ना, वो रास्ते करके आए हम, तो ये सात जिग जैग क्रॉस किए हैं इनके मुताबिक जिन्होंने लिखा है ऐसा कुछ। अच्छी ब्यूटीफुल सी जगह। चलो टिकलू भाई आगे निकल चुके हैं, हम भी चलते हैं भाई। वैसे अभी जिस लेवल पे हम चल रहे हैं ना, अभी मौसम ठंडा हो चुका है यहाँ पर, हम साइकिल चला रहे हैं इसलिए गर्मी लग रही है, बट जो ऊपर बाइक से आ रहे हैं ना जैकेट डाल रखे हैं, जेब में हाथ डाल रखे हैं, और ऐसे इकट्ठे होते ठुठते आ रहे हैं। 4 के करीब का टाइम हो चुका है, यहाँ पर धूप ना पूरी सीधी लग रही है, प्यास लगी थी, मैंने सोचा पानी के लिए रुक जाते हैं, पानी वहाँ से भर जहाँ से आंटी जी से चाय पी थी ना, बोरे यहाँ का पानी मीठा है, आगे पानी थोड़ा खारा हो जाएगा। इधर के पहाड़ों में अभी तक कहीं से पानी निकलता नहीं दिखा भाई, ना कोई झरना मिला, सारे सूखे पहाड़ है। ऊपर जाके पता नहीं कहीं झरना शरना मिलेगा नहीं मिलता। चढ़ाई देख रहे ना कितनी ज़्यादा है, क्योंकि भाई जिग जैग रास्ते कम है, ऐसे ऐसे करके चढ़ना है ना। वो देखो सामने पहाड़ दिख रहा आपको, उसके ऊपर जूम करता हूँ, वो वाला रास्ता वो देखो कितना तीखा रास्ता भाई। आगे ना एक मंदिर दिखाई दे रहा, वो सामने दिख रहा होगा आपको, शायद वहाँ टिकलू भाई रुके होंगे, चलते हैं भाई वहीं होगा मेरे हिसाब से, वहाँ से चाय पानी की व्यवस्था भी होगी कोई ना कोई, भूख भी लगी है काफ़ी ज़्यादा भाई, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना फोर्स ज़्यादा लगती है तो भूख भी ज़्यादा लगती है। ये वाला मंदिर है चमत्कारी वीर बाबा, छोटा सा मंदिर है, बट टिकलू भाई यहाँ भी नहीं रुके, शायद वो आगे ही निकल गया। यहाँ बंदर देखो कैसे लाइन में बैठे हैं सारे इकट्ठे होके, और यहाँ पर एक और जीव पाया जाता दिखाता हूँ, बोलते हैं पोर्कू पाइन, मतलब सही ये जीव मैंने आपको दिखाया था रिवालसर में चिड़ियाघर में, इसके पीछे कांटे से लगे होते हैं वो वाला भाई, मतलब बड़ा शांत जीव है ये। टिगलू भाई मिल चुके हैं भाई, यहाँ पर रुके हैं मेरी वेट में। हेलो भाई जी, यहाँ से व्यू चेक करो, वो मंदिर है सामने जो आपको दिखाया था, इस रास्तों से होते होते देखो भाई, उधर भी सारा फोगी फोगी मौसम हो गया, क्योंकि दिन ढलता जा रहा है ना, सारी फोग फोग हो गई है, और वो वाला दिख रहा है वो इधर गुरु शिखर, वो हल्का हल्का दिख रहा है, वो रेड वाला वाइट वाला नहीं है, उससे राइट साइड में है। तो अभी इधर से होते होते इस पहाड़ के शायद दूसरी साइड जाना है, यहाँ से भी काफ़ी पड़ा है माउंट आबू, बट हम सोच रहे हैं कोई जगह मिल गई टिकलू भाई पहले ही रुक जाएंगे ना, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है,
और बाकी वीडियो भी काफी बड़ी हो रही है। इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ एक ब्यूटीफुल सी चाय की दुकान मिली है, तो कहाँ रहा जाएगा। और शायद यहाँ रुकने की व्यवस्था भी हो जाए। पुराना सा कुआं है, अच्छे तरीके से दिखाते हैं अभी आपको। तो भाई इस जगह का नाम है जी आरना। ये गांव है छोटा, किधर नीचे है गांव, ये सारा गांव है आरना। अच्छा अच्छा, तो आरना गांव है, चाय की दुकान मिली है, चाय पीते हैं। और इधर कुआं है भाई, यहाँ से पानी भरते हो आप सारा, मतलब सारे जितने भी भरते हो। ओके, रस्सी के सहारे है। हनुमान जी का मंदिर आएगा। अच्छा, वहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है, कितनी दूर है वो? अच्छा अच्छा, वहाँ ज्यादा पला नहीं है, इतना दलाल नहीं। अच्छा, ज्यादा आगे हाइट नहीं है, मतलब 6 किलोमीटर आएगा माउंट आबू। देखते चलो, कोशिश करते। तो भाई आपको पानी निकालते हुए दिखाते हैं, अभी और भरोगे? चलो भाई दिखा देते हैं आपको लाइव। ये गया नीचे भाई, वो देखो, ऐसे बार बार फेंकना पड़ता है, ये ऐसे करके फेंकते हैं, फिर अपना बढ़ जाती है, फिर आराम से निकाल लेते हैं। वाह, तो अभी भी पुराना कल्चर चल रहा है भाई, सही है ना ये वाली व्यवस्था भाई, चेक करो, मस्त है, पुराना कल्चर वैसा का वैसा भाई। चलो भाई भर गया अपना, यहाँ से बाल्टी भरो और दूसरी बाल्टी में डालो, फुल होगी दो बाल्टियों में। चलो भी अभी ना एक सर जी दोबारा मिले हैं, जब मैं आ रहा था ऊपर पीछे ही मिले थे सर जी, आप पुलिस तो सर जी ऊपर जा रहे थे, अब फिर वापस आते हुए मिले। सर जी नमस्कार। नमस्कार, नाम क्या सर जी आपका? सरवन सिंह सर जी का नाम। और सर जी बता रहे हैं यहाँ पर बालू और पैंथर दोनों को देखा सर जी ने। पैंथर तो रात को अंधेरे में इतना दिखा नहीं है, मतलब बालू दिखेगा, वीडियो में दिखाएंगे आपको, बालू अच्छे तरीके से दिखेगा। तो ये चेक करो भाई, ये देखो वो सामने भागा जा रहा है, वो जा रहा ना, वो बालू है भाई, सर ने वीडियो बनाई तो इधर के भाग गया, फिर ऊपर चढ़ जाएगा ये, क्योंकि ये देखना ऊपर चढ़ गया जंगल में। तो इस एरिया में ये चीज़ें नॉर्मल है, पैंथर और ये बालू, ये देखो भाई वो गया। तो बाकी अभी डिसाइड करते हैं भी यहाँ कैंपिंग करें ना करें। तो अभी आपको पैंथर भी दिखा देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर रहा था, ये देखना भाई वो सामने देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो, चला गया। चलो देखते हैं भाई, टिकल भाई ले रिस्क मैं तो कोई चक्कर नहीं है। अभी सर जी के साथ ना थोड़ा यहाँ पता करने आए थे, वो भैया ने चल बता रहे यहाँ जैन मंदिर है पीछे भी, वहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है, बट यहाँ आए तो यहाँ बोल रहे अभी सिर्फ जैनियों के लिए। चलो कोई ना, ठीक है, वैसे हमने सोचा था यहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाती ना तो इन लोगों से ना बातचीत करने का मौका मिलता, इनके रहन सहन के, मतलब जो गांव वाले इनका रहन सहन देखने को मिलता, तो ऐसे कुछ घर बने हुए हैं। बाकी ठीक था, व्यवस्था अच्छी थी, पीछे खजूर के पेड़ पौधे, हरियाली थी, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। चलो कोई ना आगे चलते हैं, भैया जी बता रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। भैया यहाँ कुएँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे ये कितने पुराने हैं? पुराने बहुत है, पहले मतलब शुरू से अभी तक चल रहे हैं भाई, अब तो ट्यूब इसमें मोटर वगैरह डाल रखी है, काफ़ी कह रहे हैं, तो काफ़ी देखे हैं पीछे भी। चलो ठीक है भाई, अभी आगे चलते हैं। और सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलो जगह नहीं मिल पर साथ तो गए ना सर, ठीक है भाई चलते हैं आगे। CRPF का इधर एकेडमी भी है 7 किलोमीटर आगे, और इधर चाय कॉफ़ी की काफ़ी दुकानें हैं भाई, पहले मंदिर चलते हैं। इस पहाड़ के ऊपर ना आबू पर्वत के ऊपर अभी तक बस यहाँ खेती देखने को मिली है, गेहूँ की फसल है काफ़ी खूबसूरत सी। उधर भैया जी खड़े जो आवाज़ लगा रहे हैं नीचे, और ये खजूर के देखो कितने अच्छे खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह देखो कितनी अच्छी। चलो पहले रुकने की व्यवस्था करते हैं। पहाड़ियाँ हैं ना तो सनसेट भी जल्दी हो जाएगा, सनसेट होने से पहले पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी। उनका नाम है जी आरना, आरना हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पर सामने, और इधर शायद ये धर्मशाला है, क्या चीज़ है, यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है। और भाई यहाँ पर लगभग 16 गांव बसे हुए हैं, शायद 16-17 माउंट आबू के ऊपर। टिकलू भाई कर रहा है कुछ ना कुछ जुगाड़ बनी रुकने का,
बाकी देखते क्या होता है। शाम के 6:10 का टाइम हो चुका है, म्यूजिक बंद करना, कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर रुकने की व्यवस्था हो चुकी है अपनी अच्छे वाली। बाबा जी ने बिस्तर वगैरह लगवा दिए, बोले आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की सब व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल अब काफी थक चुके हैं, अंदर नेटवर्क नहीं था, मुंह हाथ धोने के बाद ना बाहर आ चुके थे हम, ताकि घर कॉल वगैरह कर ले, क्योंकि कॉल वगैरह आती रहती है, वहाँ नेटवर्क नहीं था, तो घर वाले भी सोचेंगे पता नहीं कहाँ क्या दिक्कत हो गई, तो कॉल वगैरह करने के लिए बाहर आ गया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहे थे, सनसेट वगैरह हो चुका है, वन्य जीव क्षेत्र में बंदरों को भोजन सामग्री देने पर सजा। ठीक है भैया, तो सनसेट हो चुका है, ऐसा खूबसूरत शाम का माहौल है। गुरु शिखर अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा भाई, वो कल दिखेगा या आगे चल के दिखेगा। यहाँ से सफ़र कितना रह गया माउंट आबू का अभी चेक नहीं किया, फिलहाल आज थक चुके थे, कुछ हल्की सी तबीयत ख़राब थी, फिर भी काफ़ी सफ़र निकाल लिया भाई, हिम्मत करके यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, बस अभी थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, खाना खा के आराम से वीडियो एडिट करके सो जाएंगे। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छे व्यू दिखाए आपको रास्ते में आते होते, काफ़ी खूबसूरत जगह है माउंट आबू, और आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छे तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।